हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू के बारे में। एचटीएमएल ट्यूटोरियल हमने कंटिन्यू किया था, पार्ट वन हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इन पार्ट टू वी आर कंप्लीटिंग टुडे टेबल टैग, मार्क्यू टैग, लिस्ट टैग एंड फॉर्म टैग। सो ये चार टैग के बारे में हम पार्ट टू में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टैग, दैट इज अ टेबल टैग। तो टेबल टैग में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ टेबल इन एचटीएमएल, सो द नेम इटसेल्फ दैट इज अ टेबल। सो जब भी हम टेबल टैग क्रिएट करने को स्टार्ट करते हैं इन एचटीएमएल, तो उसका टैग कौन सा है? टेबल, द नेम इटसेल्फ। ओके, सो वो क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस अ टेबल इन एचटीएमएल। ओके, सो आफ्टर दैट देयर इज अ टीआर टैग। टीआर टैग हम किसके लिए यूज करते हैं? टू क्रिएट अ रो। आपको जितनी भी रो क्रिएट करनी है इन टेबल, तो आप टीआर टैग यूज कर सकते हैं। देन टू डिफाइन द हेडर इन योर टेबल, देयर इज अ टीएच टैग, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेबल हेडर, दैट इज द फर्स्ट लेटर। ओके, टीएच, टेबल हेडर। देन देयर इज अ टीडी टैग, टेबल डेटा। इफ यू वॉन्ट टू एड द डेटा इन योर टेबल, सो देयर इज अ टीडी टैग। एंड लास्ट वन इज अ कैप्शन टैग। कैप्शन टैग हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर मैंने कोई टेबल क्रिएट किया है और उसका मुझे नाम देना है, ओके, लाइक मैंने अभी यूजर की इंफॉर्मेशन का टेबल क्रिएट किया है, तो मैं उसका नाम दे दूंगी यूजर इंफॉर्मेशन। तो उसका नाम देने के लिए, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम देने के लिए हम कैप्शन टैग यूज करेंगे इन अवर एचटीएमएल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। ओके, सो टेबल पहले स्टार्ट होता है, आपका टेबल टैग आपको स्टार्ट करना है। देन यू हैव टू डिफाइन द टाइटल ऑफ योर टेबल इन अ कैप्शन। यहां पे आप देख सकते हैं there is a structure, okay? Then tr tag for a row creation. Then td tag हम किसके लिए use करते हैं? To enter the data in your table. Then after adding your data, you have to complete the tag by backslash, okay? And at the last, after completing the entry of your data, you have to complete the table tag by a backslash. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑल द टेबल टैग एट्रीब्यूट्स। सो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम टेबल टैग में यूज करने वाले हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो एचटीएमएल में, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बॉर्डर नहीं आएगा, आपको सिर्फ आपका डेटा ही दिखाई देगा। देन इफ यू वॉन्ट टू अलाइन योर टेबल, तो आप लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हो और राइट में अलाइन कर सकते हैं। देन देयर इज अ सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं? टू गिव द स्पेस बिटवीन टू सेल। ओके, अभी मेरा ये बॉर्डर लिखा है, वो वाला सेल अ है और उसके बाजू में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है उसमें मुझे गैप क्रिएट करना है, लाइक 1 pixel, 2 pixel। तो मैं क्या दूंगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी इन अ टेबल टैग? दैट इज अ सेल स्पेसिंग। ओके, देन देयर इज अ सेल पैडिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज अ सेल पैडिंग? एक इसी सेल में मुझे स्पेस क्रिएट करना है, ओके, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। तो वो हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सेल पैडिंग के थ्रू। ओके, वो हम देखेंगे इन एग्जांपल। और लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज अ बैकग्राउंड। इफ यू वॉन्ट टू एड बैकग्राउंड कलर, देन यू कैन एड बैकग्राउंड कलर ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट टू एड द बैकग्राउंड इमेज, सो यू कैन ऑल्सो एड इमेज इन योर टेबल। सो दिस इज अबाउट टेबल टैग एट्रीब्यूट्स। देर इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ ईच डेटा। ओके, अगर मुझे रो स्पान करना है, कॉलम स्पान करना है, दो रो मर्ज करनी है, तो रो स्पान में यूज करूंगी। दो कॉलम को मर्ज करना है, तो मैं कॉलम स्पान यूज करूंगी। और हाइट, विड्थ, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइन, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टीडी
टैग एंड टी आर टैग रो के लिए, ठीक है। देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर द मार्क्यू टैग, सो लेट्स गो टू एक्सिक्यूट दिस टेबल टैग प्रॉपर टेबल, ओके टेबल टैग, लेट्स एक्सिक्यूट द टेबल टैग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमेंट दे देती हूँ यहाँ पे टेबल टैग, ठीक है। नाउ वी आर क्रिएटिंग द टेबल। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे अभी बॉर्डर सेट नहीं कर रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हमारा डेटा कैसा दिखाई देगा, ठीक है। टेबल टैग मैंने दे दिया, नाउ आई एम गिविंग द कैप्शन टैग। सो लेट्स कैप्शन यूजर इंफॉर्मेशन, ओके मैंने मेरा कैप्शन टैग क्रिएट कर दिया। नाउ आई हैव टू क्रिएट व्हाट, रो, ओके रो क्यों क्रिएट करूंगी कि मुझे पहले हेडर क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक नंबर देना है, नेम देना है, सिटी देना है, मोबाइल नंबर देना है, तो वो हेडर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं टी आर टैग में पहले कौन सा टैग यूज करूंगी, टी एच, दैट इज अ टेबल हेडर। तो सीरियल नंबर, देन नेम, सिटी एंड लास्ट भी लेते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, सो लेट्स चेक कि हमारा हेडर और टेबल क्रिएट हुआ है। यहां पे देखो, जब भी आप हेडर क्रिएट करने वाले हो तो वो हेडर वाला जितना भी वैल्यू होगा वो सब बोल्ड होगा, ओके okay? और यहाँ पे देखो मेरा टेबल का नाम आ चुका है, यूजर इंफॉर्मेशन जो भी हमने अभी कैप्शन टैग में डिफाइन किया था। नाउ वी आर एडिंग द वैल्यू इनसाइड इट, सो नाउ आई हैव टू डू व्हाट, मुझे अभी डेटा एंटर करना है, तो मैं कौन सा टैग यूज करने वाली हूँ, टेबल डेटा। तो फर्स्ट देन नेम देते हैं पिंकी, वट एवर इट इज, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, देन सॉरी सिटी दे देते हैं मुंबई, और मोबाइल नंबर डाल देते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, वट एवर यू वॉन्ट टू एड, वट एवर द डेटा इज देर, ओके। ये वाला एक डेटा मेरा एंटर हो गया है, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा एंटर हो चुका होगा द सेम वे। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, सिटी आ गया और मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। अगर आपको दूसरा डेटा एंटर करना है तो यू हैव टू अगेन क्रिएट अ रो, टी आर टैग को अगेन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। और द सेम वे यू हैव टू एंटर दिस फोर डिटेल इन द सेम सेकेंड वन टी आर टैग जो भी आपने क्रिएट किया है, ओके और उसको क्लोज करना है, वो आपको भूलना नहीं है, जो भी टी आर टैग आप स्टार्ट करते हो उसको क्लोज करना है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, रानी, अहमदाबाद लिख देते हैं, ठीक है। मेरी दो वैल्यू एंटर हो चुकी है, लेट्स गो एंड चेक, सॉरी ओके, सो वन एंड टू आई हैव गॉट दिस टू वैल्यू। नाउ मैंने क्या बोला था, अभी हम सेट करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, टेबल की बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी में अभी लिख देती हूं वन, ओके तो बॉर्डर आ चुकी है, आ गई बॉर्डर। नाउ वन तो बाय डिफॉल्ट है, इफ यू वॉन्ट मोर थिकनेस ऑफ द बॉर्डर तो यू कैन इंक्रीज इन द वैल्यू, तो थिकनेस ज्यादा होगी, ओके लेट्स टेक द 5, देखो ठीक है। सो दिस इज अ बॉर्डर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, टेक्स्ट, सॉरी अलाइन, टेक्स्ट को हम अलाइन नहीं करना है, अलाइन दे देते हैं सेंटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमारा टेबल कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ चुका है, ओके। देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल स्पेसिंग,
ओके तो बाय डिफॉल्ट मैं अभी इसकी वैल्यू सेट करती हूँ 10। तो लेट्स गो एंड चेक, देयर इज अ चेंज। यहाँ पे आप देखो इच सेल के बीच में स्पेस आ गई है, इच एंड एवरी सेल। ओके, उसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देयर इज अ स्पेसिंग दैट इज अ 10। CSS में हम इसको मार्जिन भी बोल सकते हैं। तो दिस इज अ सेल स्पेसिंग प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन इज अ सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग भी मैं दे देती हूँ 10। देखो अभी पैडिंग यानी क्या कि पर्टिकुलरली जो भी कंटेंट है आपका उसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 10-10 की उसने क्या किया, स्पेस को छोड़ दिया। सो दिस इज अ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। नाउ देयर इज अ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैं अभी लिख रही हूँ स्टाइल टाइप इज इक्वल टू बैकग्राउंड, अभी ले लेते हैं रेड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर में ले लेती हूँ रेड। तो देखो उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट हो गई दैट इज रेड। यहाँ पे आप इमेज भी दे सकते हो दैट इज अ स्लाइडर 1, इमेज भी आप रख सकते हो। ओके, ये वाली इमेज है ना ऊपर वाली, वो हाफ होके आ गई, ये वाला पोर्शन आ चुका है, इतना पोर्शन उसने ले लिया, इतना वाला उसको बैकग्राउंड में पूरे की पूरी इमेज सेट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द मोर CSS प्रॉपर्टी इनसाइड इट। ओके, सो दिस इज अबाउट टेबल टैग। ओके, नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज रो स्पान एंड कॉलम स्पान। इफ यू वांट टू मर्ज एनी टू रो तो आप क्या कर सकते हो, TR वाला जो भी टैग है वहां पे आप रो स्पान लिख देना है। ओके, बाय डिफॉल्ट तो वन ही है रो, तो जब भी आपको स्पान करना है 2, 3, 4, 5 वो आप दे सकते हो। लेट्स चेक मेरा TR टैग। ओके, हेडर वाला नहीं करते हैं, वैल्यू जहां पे है वहां पे हम करते हैं, रो स्पान इज इक्वल टू 2। नो चेंज, भाई सॉरी रो में नहीं होगा, डेटा में होगा, सॉरी रो स्पान हा 2। ओके, तो मेरी 1, 2 वाली जो भी डेटा था वो फॉरवर्ड हो गया और 1 वाला 2 में कन्वर्ट हो गया। 1 वाला जो भी सेल था वो 2 सेल में, 2 वाला सेल 1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रो स्पान। नाउ गो फॉर द कॉलम स्पान ऑल्सो, कॉलम स्पान इज इक्वल टू ले लेते हैं 3। तो पिंकी वाला जो भी है वो कॉलम ले लेगा 3, यानी नेम सिटी और मोबाइल, वो तीनों का कॉलम एक में कर दिया, और ये मुंबई और मोबाइल नंबर उसको क्या कर दिया, उसने शिफ्ट कर दिया सेल, और ये तीनों सेल मर्ज कर दिए। दिस इज अ कॉलम स्पान, दिस इज अ रो स्पान। ठीक है, सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा ऑल्सो, देयर इज अ TR टैग, TD टैग एंड वट एवर। देयर इज ऑल्सो द डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट इज यू कैन ऑल्सो सेट द पैडिंग, यू कैन ऑल्सो सेट द बैकग्राउंड, सॉरी ईच एंड एवरी बॉर्डर कलर, सो यू हैव टू गिव इट ओवर आर हियर ओनली यूजिंग अ स्टाइल टैग, सॉरी यूजिंग अ स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टैग इज मार्क्यू टैग। ओके, सो मार्क्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग ऑफ HTML। जो भी अगर आपको टैग्स को स्क्रोल बार करना है, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, मार्क्यू टैग। द मार्क्यू टैग इज अ कंटेनर टैग ऑफ HTML, इज इंप्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग क्रिएटिंग स्क्रोलेबल टेक्स्ट और इमेजेस विद इन अ वेब पेज। अगर आपको टेक्स्ट भी स्क्रोल करना है तो आप भी कर सकते हो, और
you can also scroll the image. Okay, so this is a marquee tag. Marquee tag हमेशा start होगा marquee, then आपको रखना है width, directions आपको set करना है, height set करना है और close करना है marquee tag. So this is a property of a attribute of the marquee tag, that is a height, whatever height you have to give. Then direction, direction by default क्या होगा, left to right ही जाएगा. तो अगर आपको change करना है तो you can give any of this value, left, right, up, at bottom, top, whatever it is. Okay, there is also attribute, that is scroll delay. अगर आपको set करना है कि 5 मिनट के बाद ही मेरा marquee tag यानी कोई भी text scroll होना start हो, तो that is a scroll delay. Then कितने amount के लिए आपको उसको scroll करना है, 1 time, 2 time, 3 time, whatever. Okay, then there is a behavior. Scrolling ही लगना है, sliding करना है, alternate रखना है, whatever it is. यानी 1 time आएगा, then रुक जाएगा, फिर 2nd time आएगा, that is. Then there is another property, that is loop. Loop यानी provides how many times the marquee tag will be loop. 1 time आपको loop करना है, 2 time loop करना है, 3 time loop करना है, that is a marquee tag. So let's start with the example. So marquee, so behavior हम दे देते हैं alternate, whatever you want to give. Then direction हम दे देते हैं अभी up. Okay, then width और height हम set कर देते हैं. Height, change. स्टाइल तो हम नहीं दे रहे हैं अभी, एंड डिरेक्शन, डिरेक्शन वी हैव गिवन, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया, देन वट एवर द नेक्स्ट इज कंटेंट. ओके, हेलो ऑल, सो लेट्स चेक. ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी हेलो ऑल आएगा, अप जाएगा और डाउन में चला जाएगा, अप एंड डाउन. लेट्स चेंज द डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट. देखो दिस इज अ मार्क्यू टैग, अल्टरनेट. ओके, अल्टरनेट यानी जाएगा और there is bounce type of behavior it is. Okay, so this is a marquee tag. Now the next tag is list tag. So in a list tag there are the 3 types, unordered list, order list and description list. So this is an example of unordered list and this one is for order list. एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा, इफ यू आर क्रिएटिंग द डिस्क्रिप्शन, सो उसका पहला डिस्क्रिप्शन लिस्ट को आपको स्टार्ट करना है, लाइक लेट्स इट इज डीएल टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट. देन द सेम वे देर इज अ डिस्क्रिप्शन टाइटल डीटी, मैं यहाँ पे दे देती हूँ HTML. ओके, क्लोजिंग विथ डीटी. अभी मुझे इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है. ओके, तो डीडी टैग दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट, सॉरी मार्कअप लैंग्वेज, क्लोजिंग विथ डीडी. Let's I check it is DD or whatever. First of all, give me a time. DD, that is for description. Okay, so then you have to close the tag with a backslash, that is a DL. Okay, so this is a basic about description list. This is an order list and this is an
order list. Okay, so let's go with the example. So list tag. Okay, उसका shortcut है to create a list tag, that is ol greater than li into 4. Okay, so 4 list tag create हो जाएंगे. यहाँ पे दे देते हैं mango, then green. Unordered list में तो कोई भी आप value डाल सकते हो, apple, blue, whatever it is. Okay, so this is about ol tag, order list. ओके, सो लेट्स चेक बाय डिफॉल्ट क्या आएगा ऑर्डर लिस्ट जब भी आप क्रिएट करते हो तो 1 2 3 4. ओके, और आपको टाइप चेंज करना है तो यू हैव टू सिंपली राइट हियर टाइप इज इक्वल टू, मैं अभी दे देती हूँ कैपिटल ए. दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग. ओके, ऑर्डर लिस्ट के तो ये से आपका स्टार्ट हो जाएगा. अभी मैं देती हूँ यहाँ पे रोमन अंक कैपिटल आई, तो आई कैपिटल हो जाएगा. स्मॉल देती हूँ तो स्मॉल में आ जाएगा, स्मॉल. ओके, स्मॉल अल्फाबेटिक रखना है तो स्मॉल हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द ऑर्डर लिस्ट. द सेम वे आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर अनऑर्डर लिस्ट. सो यहाँ पे सिंपली आई एम ओनली चेंजिंग द ओएल को यूएल, है ना. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, बुलेटियन. ओके, दिस इज एन अनऑर्डर लिस्ट. तो उसका स्टाइल टाइप आप कैसे लिखने वाले हो, तो स्टाइल टैग आप यूज स्टाइल एट्रीब्यूट को आपको यूज करना है. यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप. यहाँ पे मुझे चाहिए अभी सर्कल, तो सर्कल आ गया. अभी चाहिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर आया नहीं. ओके, सेव करना है, स्क्वायर हो गया लाइक दैट. ओके, देन दूसरी है डिस्क प्रॉपर्टी. तो डिस्क में शुड बी सेम एज एन बुलेटियन. सो दिस इज एन अनऑर्डर लिस्ट. और द लास्ट इज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने क्या बोला, उसका टैग है दैट इज अ डीएल. ओके, अभी मुझे उसका टाइटल देना है डीटी. डीटी यानी डिस्क्रिप्शन टाइटल. अभी उसका मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो मैं लिखूंगी डीडी. So this is about description list. So let's go check output our. Okay, so इस टाइप का उसका हेडिंग आ जाएगा और this is a description of this particularly list. So this all are the list tag in HTML. So the last the remaining tag रहता है हमारा, that is a HTML form tag. Okay, so form tag basically हम क्यों यूज करते हैं, अगर यूजर के पास से मुझे कोई इंफॉर्मेशन लेना है. ओके, लॉग इन पेज क्रिएट करना है, साइन अप पेज क्रिएट करना है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग को यूज करते हैं. सो द फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर अ यूजर इनपुट. यूजर के पास से मुझे क्या करना है, वैल्यू लेना है, वैल्यूज लेना है, यूजर की वैल्यूज लेनी है. ओके, द फॉर्म एलिमेंट दैट कंटेन वन ऑफ द वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, दैट इज इनपुट है. अगर आपको यूजर के पास से टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन अगर मुझे यूजर का एड्रेस लेना है तो मैं टेक्स्ट एरिया यूज करूंगी. बटन क्रिएट करना है तो बटन को यूज करूंगी. दिस ऑल आर द टैग. ओके, जब भी आप फॉर्म टैग क्रिएट करते हो तो ये दिस ऑल आर द टैग दैट यू आर यूजिंग इन अ फॉर्म टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ फॉर्म. ओके, रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है, वॉट एवर इट इज. और HTML फॉर्म किसके लिए करते हैं, there are the method for HTML, HTTP, to transfer your data, hypertext transfer protocol. So, उसमें there is a दो method आती है, that is get and post. Okay, and it supports in all the major browsers. So, this is a basic structure. So, आप form create करते हो तो form का नाम देना है और मेथड क्रिएट करना है. उसके भी एट्रीब्यूट्स है, देयर आर द एट्रीब्यूट्स. ओके, सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, फॉर्म का नाम देना है. ओके,
स्पेसिफिक फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो उसका नाम आपको डिफाइन करना है. देन देर इज अ टारगेट. तो टारगेट हम क्यों लिखते हैं? इफ आई एम राइटिंग अंडरस्कोर ब्लैंक तो वो मेरा नया पेज में मेरा जो भी फॉर्म है उस ओपन हो जाएगा. देन दिस ऑल आर द वैल्यूज. सेल्फ है तो वहां पे ही आप जब भी आप पर्टिकुलरली फॉर्म सबमिट करते हो तो उसी पेज पे आपने जो भी वैल्यू एंटर किया है या तो वो वहां पे आपको शो करेगा वट एवर द प्रॉप द वे द दैट पर्टिकुलरली वेब पेज इज बिहेविंग लाइक. सो दिस ऑल आर द वैल्यूज ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट. देन देर इज अ मैथड. ओके देर आर द टू मैथड. वन इज अ गेट एंड सेकेंड वन इज अ पोस्ट. तो गेट में जो भी आप वैल्यूज एंटर करते हो तो वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? URL में. यानी दैट इज नॉट सेफ. ओके. और पोस्ट, अगर आपको डेट आपका फॉर्म की वैल्यू जो भी है वो बैकग्राउंड में स्टोर करवाना है, डेटाबेस में स्टोर करवाना है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द पोस्ट मेथड. सो दिस टू मेथड्स इज यूज्ड इन फॉर्म टाइप. एक्शन, तो स्पेसिफाई वेदर वेयर टू सेंड अ फॉर्म डेटा व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड. जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको डेटा कहाँ पे सबमिट करना है, दैट यू हैव टू डिफाइन इन अ एक्शन एट्रीब्यूट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट टैग. So let's go for the example of form tag. So give the command first of all. Okay, form. By default में यहाँ पे हैज लिख देती हूँ. मैथड लिख देते हैं. गेट फॉर्म का नेम दे देते हैं. यूजर रजिस्ट्रेशन. ओके. सो नाउ इनपुट टाइप अभी देते हैं टेक्स्ट. ओके. सो मैं यहां पे दे देती हूं अभी नेम इटसेल्फ. यूजर का नेम, नेम. एंड अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो आपको आईडी देना है. दैट इज सो नेम एंड आईडी वैल्यू शुड बी सेम भी आप रख सकते हो. सो लेट्स चेक द रीजन इनपुट टाइप. ओके. सो दिस इज इन टेक्स्ट. यूजर रजिस. यूजर नेम देते हैं यहाँ पे. यूजर नेम. दिस इज अ इनपुट टाइप टेक्स्ट. सॉरी. Now the next is input type. हम ले लेते हैं email. यहाँ पे दे देते हैं email और उसका ID भी define कर देते हैं email. So that is the same I think so it is in text box. So यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी PR tag, break tag. So नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और वहां पे मैं अभी लिख देती हूँ ईमेल. ओके. सो नेक्स्ट कौन सा टैग था? वहां पे इनपुट हो गया. इनपुट के बाद में है दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग. नेम देना है, रिक्वायर्ड रखना है. रिक्वायर्ड यानी इफ यू आर नॉट एंटरिंग द वैल्यू इन अ, मैं अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखती हूँ. ओके. इफ यू आर नॉट एंटरिंग द वैल्यू इन अ टेक्स्ट बॉक्स तो जब भी आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो वो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको ये वैल्यू एंटर करना है. सो दैट इज इन रिक्वायर्ड दैट वी कैन सेट. ओके. सो फोकस रखना है तो आप ऑटो फोकस भी रख सकते हो, ऑटो कंप्लीट भी रख सकते हो. ओके. देन देर इज अ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ऑल्सो देर. यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्लेस होल्डर. तो एंटर योर नेम. तो जब भी आप यहाँ पे देखो बैक स्लैश में आपको क्या आता है, सॉरी बैकग्राउंड में क्या आता है, एंटर योर नेम प्लेस होल्डर. जब भी आप यहाँ पे वैल्यू मैं दे रही हूँ यहाँ पे ए तो वो जब चला जाएगा. ओके.
दैट इज. सो दिस इज अ प्लेस होल्डर, यहाँ पे भी हम रख देते हैं रिक्वायर्ड एंड प्लेस होल्डर डाल देते हैं. एंटर योर मेल आईडी. सो दिस इज अ प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी. ओके एंड ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट. ऑटो फोकस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको फोकस करना है रखना है तो आप दे सकते हो. ओके दैट इज सॉरी कोई चेंज नहीं आएगा. उसकी प्रॉपर्टी अगर आपको देनी है तो आप सीएसएस में दे सकते हो. दैट इज अ फोकस. वेन एवर यू आर गोइंग ओवर अर देयर तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा. दैट इज सो दिस इज एन इनपुट टाइप. पासवर्ड है, ईमेल है, कलर है, फाइल है. लेट्स गो ऑन इनपुट. पासवर्ड, पासवर्ड आईडी भी दे देते हैं हमें पास. यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देते हैं एंड प्लेस होल्डर में भी लिख सकते हैं एंटर. और यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट देते रहते हैं स्टार 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 स्टार. लेट्स चेक दिस पासवर्ड फील्ड. सो यहाँ पे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल द पासवर्ड हियर. और यहाँ पे ब्रेक टैग तो लगाना ही पड़ता है नेक्स्ट लाइन के लिए. सो दिस इज योर पासवर्ड फील्ड. सो जो भी आप एंटर करते हो तो क्या आ जाएगा पासवर्ड के फॉर्म में. इफ यू कैन व्यू देन यू कैन. ओके सो दिस इज अ पासवर्ड. देन लेट्स कलर. यहाँ पे मैं अभी ब्रेक टैग लगाई दे देती हूँ. ब्रेक देन इनपुट कलर. सॉरी इनपुट टाइप कलर. ओके ए वन तो पूरा कलर पैलेट आ जाएगा आपको सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कलर आपको सिलेक्ट करना है. ओके यहाँ पे आपको पूरा कलर आरजीबी फॉर्मेट में दे देगा कौन सा कलर आप ले दे सकते हो. वॉट एवर कलर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट वो आपको सिंपली प्रोवाइड करेगा कलर पैलेट. दैट इज ओके. देन उसके बाद कौन सा फॉर्म कौन सा था सॉरी कलर हो गया फाइल. अगर आपको यूजर के पास से फाइल लेना है ओके अपलोड करवाना है कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसके लिए है फाइल. इनपुट टाइप फाइल. ओके F1 दे देते हैं यहाँ पे और F1 तो वो आपको वहां पे क्या बोलेगा कि आप चूज करो कौन सी फाइल आपको अपलोड करवानी है. चूज द फाइल और यहां से आपको जो भी फाइल अपलोड करवानी है वो आप यहां से करवा सकते हो. ओके और वो आ जाएगा. दैट इज उसके बाद कौन सा था फाइल हो गया ईमेल हो गया कलर हो गया. नाउ द रेडियो बटन. ओके रेडियो बटन में मेन क्या है तो जो भी ये नेम वाली वैल्यू है सॉरी जो भी ये नेम वाली वैल्यू है वो दोनों सेम होनी चाहिए. ओके अगर मैं यहाँ पे बीआर टैग लिख देती हूँ सिलेक्ट जेंडर. ओके तो जेंडर में हम इनपुट टाइप ले लेंगे कौन सा नेम दे देती हूँ जेंडर. तो जब भी आप आईडी दे देते हैं A1. ओके तो यहाँ पे मैं अभी लिख देती हूँ मेल. ओके दूसरा ले सॉरी मेल एंड दूसरा इनपुट ले लेते हैं यूजर के पास से दैट इज अ फीमेल.
that complete me, then I am explaining you. Input radio name मुझे same क्यों रखना पड़ेगा कि मुझे दोनों में से एक ही value को choose करना है. अगर मैं दोनों को अलग अलग रख दूंगी तो वो मुझे दोनों सिलेक्ट करने को देंगे. तो यू हैव टू दिस इज दिस दिस नेम वैल्यू क्रिएट व्हाट ग्रुप ग्रुपिज्म ऑफ जेंडर दैट इज देर आर द टू वैल्यू बिल फ्रॉम टू यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन वैल्यू दैट इज द नेम. तो नेम क्या कर देगा वहां पे ग्रुप क्रिएट कर देगा. उसके लिए आपको नेम की वैल्यू सेम रखना है एवरी टाइम. सो लेट्स चेक मेल फीमेल मेल फीमेल. सो दिस इज अ रेडियो बटन. ओके चलो हम जेंडर के यहाँ पे नेम की वैल्यू रख देते हैं इवन. तो देखते हैं क्या होता है. दोनों रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करने दिए. देखो यहाँ पे दिस इज द डिफरेंस. यहाँ पे आप मेल भी सिलेक्ट कर दिया मैंने और फीमेल भी कर दिया. यानी ये नेम वाला एट्रीब्यूट आपको क्यों सेम रखना है कि वो क्रिएट कर देता है क्या ग्रुप. यानी दोनों में से मुझे एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है. देखो मेल सिलेक्ट करूंगी तो मुझे फीमेल नहीं करने देगा. फीमेल सिलेक्ट करने दूंगी तो मेल नहीं करने देगा. सो दिस इज अ रेडियो बटन. ओके सो उसके बाद कौन सा है. ओके रेंज इनपुट टाइप रेंज यहां पे लिख देती हूँ br टैग सॉरी सिलेक्ट रेंज. लेट्स गो. इनपुट रेंज नेम देते थे रेंज आईडी दे देती हूँ वन आर वन. सो यहां पे आप क्या करोगे रेंज सिलेक्ट कर सकोगे. ठीक है सिलेक्ट एनी रेंज वॉट एवर इट इज. बाय डिफॉल्ट क्या आएगा इन मिडल आएगा दैट इज 50%. दैट इज तो दिस इज अ सिलेक्ट रेंज. नाउ फॉर द चेकबॉक्स. तो चेकबॉक्स में भी देयर आर द ओके. सो उसमें भी क्या आएगा नेम आपको सेम रखना है. सेम ग्रुप का नेम शुड बी सेम. यहाँ तो आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो चेकबॉक्स में. देर इज अ नो इश्यू बट वी हैव टू गो विद इट. ओके हॉबीज हॉबीज ले लेते हैं यूजर की. तो यूजर की हॉबीज में हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट दैट इज अ चेकबॉक्स. नेम ले देते हैं चेक सी एच के और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देती हूँ प्ले. अगेन इनपुट टाइप इस चेकबॉक्स नेम्स और रख देते हैं रीडिंग. अगेन इनपुट सॉरी चेकबॉक्स और यहां पे देते हैं हम स्विम. ओके सो गो विथ इट. चेकबॉक्स आ जाएगा हुआ चेकबॉक्स आया होगा. ठीक है यहाँ पे आप मल्टीपल चेकबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो. दैट इज अ हॉबीज चेकबॉक्स प्रॉपर्टी. ओके सो दिस इज अबाउट फॉर्म टाइप. दिस देर इज अ ओके देर इज अनदर टाइप दैट इज अ इनपुट टाइप नंबर. इफ यू वांट टू एंटर द नंबर देन यू कैन using this input type. This is the new input type number. Okay input number and id de dete hain num. Okay so let's check whether it is okay. Yahan se ha this is the number field. Now the next is
इनपुट टाइप आप हिडन भी रख सकते हो अगर आपको हिडन देना है तो. अ हिडन कंट्रोल दैट स्टोर्स द डेटा दैट इज नॉट विजिबल टू यूजर ओके ऑन अ वेब पेज. दिस कंट्रोल इज यूज टू सबमिट सम इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी एडिटेड बाई द यूजर. अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी रखनी है कि जो यूजर चेंज ही ना कर सके तो वहां पे आप लिख सकते हो इनपुट टाइप एज एन हिडन. देर इज एन डेट एंड टाइम. यस वी हैव टू गो विथ इट. दिस थ्री इनपुट टाइप इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन. सो यहाँ पे हिडन इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे देती हूँ. हिडन इन्फॉर्मेशन एज एन माई टाइटल. सो इट शुड बी इट कैन नॉट बी चेंज ओके हिडन. सो नेम दे देते हैं इंडिया. सो द कंट्री इज नॉट चेंज. नहीं तो वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है. ओके सो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू भी आपको नहीं दिखाई देगी. दैट इज हिडन फील्ड. ओके सो नाउ द डेट. तो डेट आप सिलेक्ट करोगे आपको दिखाई देगा देयर इज अ डेट. ओके नेम दे देते हैं डेट और यहाँ पे भी दे देते हैं आईडी डेट. दैट इज सो लेट्स चेक वेदर इट इज यहाँ पे आपको दिखाई दे पर्टिकुलरली डेट का फील्ड में क्या होगा. पूरा कैलेंडर आ जाएगा. ठीक है वॉट एवर डेट यू वॉन्ट टू सेलेक्ट दैट यू कैन सेलेक्ट बाय योर ओन. देन उसके बाद था टाइम. सो यहाँ पे दे देते हैं बी आर टैग. यहाँ पे भी हम दे देते हैं बी आर टैग और यहाँ पे क्रिएट करते हैं टाइम. सो टाइम के लिए हम देते हैं इनपुट टाइम. नेम भी हम दे देते हैं टाइम और आईडी दे देते हैं A1. ओके सो यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है तो आप कर सकते हो. ओके सो दिस इज अ टाइम टैग. उसके बाद है बटन. ओके सो बटन टैग हम क्यों यूज करते हैं. सबमिट करना है वो हम लास्ट में करते हैं बटन. ओके सबमिट रीसेट वो दोनों हम करते हैं लास्ट में. ओके बटन टैग लेते हैं लास्ट में. ओके लेबल. अगर आपको लेबल क्रिएट करना है तो आप लेबल क्रिएट कर सकते हो. ओके जो मैंने अभी यहाँ पे नाम लिखा है ना ये देखो नेम लिखा है तो इसका मुझे लेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा टैग है. लेबल फॉर टेक्स्ट और यहां पे ले देते हैं यूजर. ओके सो उसका लेबल क्रिएट हो जाएगा यूजर के नाम का. ओके सो दिस इज अ लेबल. यहां पे आप लिखते हो और यहाँ पे द सेम वे यू कैन क्रिएट अ लेबल. तो लेबल में आप क्या कर सकते हो. CSS में अगर आपको प्रॉपर्टी सेट करना है ऑन ऑल द लेबल्स तो आप वो कर सकते हो यूजिंग द लेबल प्रॉपर्टी यूजिंग दिस लेबल. ओके उसके CSS प्रॉपर्टी आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो कि पूरा का पूरा आपका जो भी फॉर्म है वो अच्छे से आपको दिखाई दे. ओके देन देर इज अ टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया हम क्यों यूज करते हैं कि यूजर को अगर मल्टीपल लाइन की वैल्यूज एंटर करवानी है. यहाँ पे मैं लेबल क्रिएट करती हूँ दैट इज एड्रेस और उसके बाद मैं ले लेती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट एरिया. सॉरी उसका टैग ही है दैट इज नेम दे देते हैं 1 आईडी दे देते हैं 1 वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव. यहाँ पे आपको रोज लेना है. रोज कितनी क्रिएट कर रहे हैं मैं ले लेती हूँ अभी यहाँ पे 4 और कॉल्स. दिस इज द प्रॉपर्टी सॉरी एट्रीब्यूट रोज एंड कॉल्स. ओके सो यहाँ पे बी आर टैग. सो मेरा जो भी टेक्स्ट एरिया वाला है लास्ट में दिखाई दे यहाँ पे. ओके सो क्यों नहीं आया लेबल वाला इनपुट. ओके यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस.
आगे सो व्हाट एवर यू वांट टू राइट वो क्रिएट कर देगा. सो दिस इज एन एड्रेस फील्ड. ओके लेबल हो गया, एड्रेस हो गया. अब लास्ट रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट. यस दिस वन इज द लास्ट माइट बी नॉट again. Okay, this one is a for form tag. This select is a last. Okay, select होगा, select करना है, then option. Option के through आप values enter करवा सकते हो. Okay, so I am copying this example from this directly and copy pasting here only. ओके तो ये ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे. देखो एबीसी एबीसी ही वैल्यू है तो वी हैव टू चेंज बी वन सी वन. सो ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो सिलेक्ट वन मल्टीपल साइजेस फाइव. ओके साइज आपको सेट करना है तो आपको उतना वैल्यूज आपको दिखाई देगा. मैंने फाइव लिखा है, वो टू लिखा था तो टू दे रहा था. यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. ओके अभी रहा कौन सा बटन लिस्ट, सॉरी इनपुट टाइप बटन. इनपुट बटन ओके. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट, वैल्यू भी दे देते हैं सबमिट और उसको रिमूव. ओके तो सबमिट बटन के बाद है द लास्ट टैग दैट इज अ रीसेट टैग. तो इनपुट देना है रीसेट, वैल्यू मैं दे देती हूँ रीसेट. ओके सो ये रीसेट टैग क्या, सॉरी इनपुट टाइप रीसेट क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में लिखा है वो रीसेट यहां से कर देगा. पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन आपका रीसेट हो जाएगा. सो दिस इज एन रीसेट बटन इन ए HTML. ओके सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द फॉर्म टैग. सो दिस इज द एंड ऑफ अवर पार्ट टू ट्यूटोरियल. So I hope you are like my video. If you are like my video, then share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video. Thank you.